दोस्तों, राजस्थान के इस छोटे से गांव में 300 साल से आज भी शेष नाग जिंदा है। यह शेष नाग आज भी पेड़ पर दिखाई देता है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह घटना राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से गांव की है। इस गांव में बहुत साल पहले एक बड़ा किला बनवाया गया था जो आज खंडहर के रूप में है, और इस खंडहर के अंदर बहुत साल पुराना पेड़ आया हुआ है जिसमें कई सालों से एक शेष नाग रह रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग कहते आ रहे हैं कि इस किले में एक महादेव का मंदिर आया हुआ था, जिस मंदिर में एक शेष नाग दर्शन करने आते लोगों को दिखाई देता था। और जब भूकंप आया था तो यह किला धराशायी हो गया और मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। आज इस जगह पर मंदिर भी नहीं है, लेकिन जो सालों पहले पेड़ था उसी पेड़ में शेष नाग रहता है, और कभी कभी यह शेष नाग गांव के लोगों को पेड़ के ऊपर भी दिखाई देता है। गांव के लोगों का कहना है कि यह शेषनाग गांव में भी कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोस्तों, ये 300 साल से आज भी शेषनाग इस पेड़ पे रहता रहा है।